दोस्तों, आज मैं आपको नॉर्थ कैरोलिना के एक ऐसे रहस्यमय जानवर की कहानी बताने जा रहा हूं, जिसने एक समय पर कैरोलिना के एक छोटे से गांव ब्लेडनबोरो में अपना कहर बरपाया था। इस बीस्ट को ब्लेडनबोरो में द बीस्ट ऑफ ब्लेडनबोरो के नाम से जाना जाता है। इसे द वैम्पायर डॉग के नाम से भी जाना जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ब्लेडनबोरो के बारे में बता देता हूं कि यह नॉर्थ कैरोलिना की दक्षिण पूर्वी किनारे पर पहाड़ी भागों में स्थित एक जगह है, और यह जगह देवदार के जंगलों और कीचड़ दलदल वाली जगहों में से एक है। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पर प्रेस कर दें, क्योंकि आपको यहां पर मिलने वाले हैं बहुत सारे मिस्टीरियस हॉरर स्टोरीज और फैक्ट से भरपूर वीडियो। तो कहानी की शुरुआत इस तरह से होती है कि ब्लेडनबोरो में एक जगह है जिसका नाम क्लार्कटन है। वहां पर एक रात 29 दिसंबर 1953 को एक स्थानीय महिला ने उसके पड़ोसी के कुत्ते की भौंकने और गुर्राने की आवाज को सुनी। जब वह पता करने के लिए कि क्या हो रहा है बाहर गई, तो उसने अंधेरे में एक बड़े और बिल्ली के जैसे दिखने वाले जानवर को देखा, और यही वह घटना थी जब उस बीस्ट को पहली बार देखा गया था। दो दिन बाद फिर उस जानवर को देखा गया था। नए साल की शाम को ब्लेडनबोरो पुलिस चीफ रॉय फोर्स को वुडी स्टॉर्म के खेत में बुलाया गया था, क्योंकि उसके दो कुत्तों को किसी बहुत बड़े और शक्तिशाली जानवर ने मार दिया था। उन बेचारे कुत्तों का पूरा शरीर पूरी तरह से खून से सना हुआ था। और भी ऐसी ही कई रिपोर्ट्स आने लगीं। डीजी पेट नामक एक सर्विस स्टेशन मालिक ने कहा कि उसने अपने सर्विस स्टेशन से देखा कि एक कुत्ते पर एक बड़े जीव ने हमला किया और वो उसे जंगल में खींच ले गया। पुलिस चीफ मिस्टर रॉय फोर्स को आसपास के इलाकों से कुत्तों पर होने वाले हमलों की खबरों के बारे में बताया गया। लोगों ने कहा कि उन्होंने एक जानवर को जो भालू या पैंथर की तरह दिखता है देखा, जो 3 फीट लंबा, 20 इंच ऊंचा, एक लंबी पूंछ और बिल्ली के चेहरे जैसा मुंह दिखता था, जो बहुत ज्यादा भयानक लगता है। बहुत से लोगों ने शहर के पास में दलदल से आने वाली चीखों को सुनकर कहा कि यह चीखें ऐसी थी मानो किसी महिला के शरीर में जब कोई चाकू मारता है तब ऐसी चीखें आती हों। ऐसे ही 1 जनवरी को दो और कुत्तों के शव मिले थे। इनका हाल भी ठीक वैसा था जैसा वुडी स्टॉर्म के कुत्तों का हुआ था। इन कुत्तों का शरीर भी खून से सना हुआ था। पुलिस चीफ रॉय फोरियस ने फैसला किया कि अब समय है कि अब उस जानवर का शिकार किया जाए। पेशेवर शिकारी की एक टीम को उस जानवर का शिकार करने के लिए विलमिंगटन से बुलाया गया। पुलिस चीफ रॉय फोरियस भी शिकारी पार्टी के साथ गए, और उन्होंने कहा कि उन्होंने पैरों के निशान देखे हैं जो कि बिल्कुल चांदी के डॉलर के आकार के जैसे हैं। फिर 5 जनवरी को उस जानवर ने एक इंसान पर हमला किया। उस शाम मिसेज सीई किंसलॉ ने अपने घर के बाहर कुत्तों के रोने और एक धीमी सी आवाज में सिसकने की आवाज सुनी। वह बाहर इन्वेस्टिगेट करने गई। उसने देखा कि उसकी ओर एक बड़ा और बिल्ली के जैसा दिखने वाला प्राणी आ रहा था। मिसेस किंसलॉ चिल्लाई और उसके पति बाहर की ओर भाग कर आए। उनको आता देख वो जानवर डर गया और वापस जंगल की ओर भाग गया। समाचार में उस जानवर की कहानी को पढ़कर शिकारियों की टोली से पूरा ब्लेडनबोरो भर चुका था। कुल मिलाकर टेनेसी से थोड़ी दूर से 600 शिकारियों की टोली इस इरादे से उस गांव आए कि अगर उनके द्वारा उस जानवर का शिकार हुआ तो उसका सर वो अपने घर की दीवार पर सजा के रखेंगे। हालांकि किसी को भी इस चीज के बारे में नहीं पता कि आखिर वो शिकार किस चीज का कर रहे हैं। लोग अटकलें लगाने लगे कि शायद यह कैरोलिना पैंथर है, जो कि एक बड़े आकार की बिल्ली की एक प्रजाति है, जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक इस क्षेत्र में रहती थी, और लोगों ने सोचा होगा कि यह अब विलुप्त हो चुकी है। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि यह शायद कोई कोयोट या कोई आवारा कुत्ता होगा, और बाकी के लोगों ने सोचा कि वो जो भी है इसका पता तो उसे मारने के बाद ही चलेगा। दोस्तों, कोयोट एक ऐसा जानवर होता है जो कि दिखने में तो किसी भेड़िये के जैसा होता है, लेकिन भेड़िये से थोड़ा छोटा होता है।
पूरा शहर खौफ के साए में जी रहा था। एक यंग लड़का ईव बटलर, जो कि उस समय ब्लेडनबोरो में रहता था, उसने बताया था कि रात का समय यहां आसपास एक डर का समय होता था। जैसे ही सूरज डूबता था तो शहर के पश्चिम में रहने वाला पूरा समुदाय घर के अंदर चला जाता था और तब तक बाहर नहीं आता था जब तक कि आवश्यक न हो। मिस्टर बटलर और उनके परिवार पर उस जानवर के डर का बहुत बुरा प्रभाव था। उनकी हालत कुछ इस कदर थी कि उस समय लगभग सभी के टॉयलेट्स घर से बाहर होते थे, तो रात के वक्त टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए उनको एक बड़े जगह का इस्तेमाल करना पड़ता था। उस दहशत के माहौल में सबने बड़े जग का भरपूर उपयोग किया था, यह निर्णय लेते हुए कि चीजें बहुत खतरनाक हो रही हैं। ब्लेडनबोरो के मेयर बॉब फुसेल और पुलिस चीफ ने शिकार पर रोक लगा दी। इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि उस जानवर के बारे में पढ़कर उम्मीद से ज्यादा ही हंटर्स उस टाउन में आने लगे थे और उनके पास बहुत सारे घातक और डेंजरस हथियार थे, जिस कारण पुलिस चीफ मिस्टर रॉय फोर्स को यह लगा कि कहीं जानवर को मारने के चक्कर में कहीं कोई शिकारी गलती से किसी इंसान को न शूट कर दे। 13 जनवरी को एक स्थानीय किसान के जाल में एक अजीब सी बड़ी बिल्ली को फंसाकर दो लोगों ने उसे टाउन के सेंटर में एक फ्लैगपोल पर लटका दिया। उन्होंने कहा कि यह द बीस्ट ऑफ ब्लेडनबोरो है। एक या दो सप्ताह के बाद चीजें वापस सामान्य हो गईं। सभी शिकारी उस जगह को छोड़कर चले गए और किलिंग्स की खबरें भी आना बंद हो गईं। वो जो कोई भी जानवर था वह रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गया था और वह उस दलदल में वापस लौट गया जहां से वह पहली बार निकला था। वो जानवर क्या था? वो आखिर था क्या जिसने उन कुत्तों को मारा था और उनका खून चूस लिया था? इसका पता कभी नहीं चला, लेकिन गांव के लोगों में कुत्तों के गायब होने या मारे जाने की घटनाएं अजीब नहीं है। पूरे देश में इन लोगों के द्वारा इस कहानी को काफी पसंद किया जाता है कि एक वैम्पायर है जो कुत्तों को अपना शिकार बनाता है, जिसे वैम्पायर किलिंग डॉग्स के नाम से जाना जाता है। यह गुत्थी कभी भी सॉल्व नहीं हो पाई कि वो जानवर कौन था, पर कुछ लोगों का मानना था कि गांव के ही कुछ लोगों ने मिलकर इस अफवाह को जन्म दिया कि एक बीस्ट है जो रात में आकर कुत्तों का शिकार करता है और लोगों पर जानलेवा हमला कर सकता है। शायद इस तरह से वे लोग अपने गांव को फेमस करना चाहते थे, और ऐसा हुआ भी। 1922 में जो भी घटना घटी, आज उस जगह एक बीस्ट फेस्ट यानी कि जानवर का फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, जो कि अपने आप में बहुत अजीब है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट करें, और ऐसी और भी वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।